पवन सिंह का सबसे बड़ा फैन। कल तुम एक ही गाना गाते लगा फरक फटल बा गाते लगा मरते का करब के खेसारी लाल पवन सिंह। पवन सिंह अच्छा दोनों बड़ा विवाद होइल आरा के बाद भयो दोनों के बराबर व्यू जाता। इन लोगों का यही सबसे बड़ा समस्या बस 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 और कुछ नहीं। मजा मारा था फैन के लड़ा रहा आपस में बीच में फैन बांट दिया। दोनों एक से बढ़कर एक है नो डाउट। फैन वाला जो झंझट है अरे क्या मतलब है यार, जिसको पसंद है जिस सिंगर से सुनना पसंद है उसी सिंगर से वही गाना आप सुन रहे हो तो फिर लफड़ा किस बात का, लड़िए मत उस बात पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता। मजा आया देखिए गाना बड़ी झकास झकास गाते हैं। अच्छा। मतलब एक ठो गाना गा के सुनाइए। पवन सिंह का सबसे बड़ा फैन ना तनी मनी गा लेनी क्या कर। कल दिन एक ही गाना गाते लगा फरक फाटल बा फाटल माने सीए के फेरा में लागल बोलो का फरक फाटल बा तो एक ही गाना दोनों गाते लगा मरते का करब के खेसारी लाल पवन सिंह। पवन सिंह अच्छा दोनों बड़ा विवाद भइल आरा के बाद भइल एगो भइल रहे पहिले जे आरा में दोबारा फिर वही है ना ओकर बाद फिर आज भइल बा काल के डेट में। इन लोग का यही दोनों बढ़िया चलता विवाद होगा दोनों के बराबर व्यू जाता। इन लोगों का यही सबसे बड़ा समस्या फैन के लड़ावा था बस 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 और कुछ नहीं। मजा मारा था फैन के लड़ा रहा आपस में बीच में फैन बांट दिया है। अगर दोनों एक हो जाए तो फिर बाल मचा दी भोजपुरी में। वही तो दोनों एक से बढ़कर एक है नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है पर ये फैन वाला जो झंझट है लफड़ा है ये उनका गाना ले लिया ये उनका गाना ले लिया। अरे क्या मतलब है यार, जिसको पसंद है जिस सिंगर से सुनना पसंद है उसी सिंगर से वही गाना आप सुन रहे हो तो फिर लफड़ा किस बात का, लड़िए मत उस बात पे। हाँ लड़के कोनो फायदा नहीं है ऐसे केहू के कोनो घाटा तो हो ही ना खाली बदनामी होला। उन लोगों को क्या मतलब है उससे आपस में लड़ कट मर जाई उन लोग ठीक रही सब मतलब हो जाना। तो इसीलिए मैं बोला था फैन गधा है समझता नहीं है लोग बात को लफड़ा वही अब आपस में लोग लड़ते रहेगा। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है लेकिन ये लोग हमारा ये तो हमारा वो। अबे भोजपुरी के लिए लड़ो ना दोनों को उतना ही सपोर्ट करो दोनों दोनों फैंस मिलके देखो कहां तक दोनों जाते हैं एक के चक्कर में एक लड़ता है एक नहीं लड़ता है एक से एक, एक बढ़िया काम कर रहा था आज के डेट में। तब बहुत काम संघर्ष तू हर हर गंगे फरिश्ते अभी जियो मेरी जान के शूटिंग चलता है इसका है ये गॉडफादर का गॉडफादर बहुत भयंकर। अगर दोनों एक फिल्म में आ जाए एक स्टेज पर एक एल्बम में तो हर इंडस्ट्री पीछे चली जाएगी इससे लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देता है इस बात को। सर जी मिलके काम कीजिए साथ में आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भोजपुरी को भी उठाना है और फैंस को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमको भोजपुरी के लिए लड़ना है ये नहीं कि सिंगरों के लिए पर्सनली लड़ना है। सिंगरों के लिए कब तक लड़ते रहेंगे भोजपुरी के लिए लड़िए। इसलिए मैं बोला था कि आप लोग गधा हो बुरा नहीं मानिएगा आपस में बे मतलब का ये मेरा तो वो मेरा ऐसा मेरा तो वैसा मेरा ये बोलिए कि ये भोजपुरी मेरा मैं भोजपुरी के लिए लड़ूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम तो बुरा नहीं मानिएगा ठीक है। गधा बोलने का रीजन मैं बता दिया इसी वजह से ठीक है बुरा आप लोग नहीं मानिएगा अगर बुरा हो लाइक कमेंट सपोर्ट माफ कीजिएगा ठीक है बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा और कोई बात नहीं बस यही कहना था हमें कि मिलके रहिए ये मेरा वो मेरा ये सब सिस्टम से क्या मतलब है। दोनों पक्ष मिलके एक चीज के लिए लड़िए वो भी भोजपुरी के लिए। देखिए हमारा भोजपुरी कहाँ से कहाँ जाएगा आप लोग खुद सोचिए कि एक का फैन फॉलोइंग इतना है अगर दोनों का फैन फॉलोइंग एक साथ मिल जाता है दोनों को मिल जाता है वो फैन फॉलोइंग
तो कहाँ जाएगा, सोचने वाली बात है ना। अरे सीधा सीधी बात ये है, सलमान खान को टक्कर दे देगा लोगे को। मान लीजिए किसी कोई एक गाना लाता है, उसका 24 घंटा में 10 मिलियन जाता है, दूसरा भी लाता है उसका भी 10 मिलियन जाता है, अगर दोनों साथ में आएगा 20 मिलियन, जाहिर सी बात है जाना ही जाना है। कोई भी इंडस्ट्री में 24 घंटा में जाएगा नहीं जाएगा, जाना ही जाना है। अगर दोनों फैंस सपोर्ट करे एक को तब, जैसे खेसारी लाल पवन सिंह दोनों का फैन, एक पवन सिंह का, पवन सिंह का गाना आया, दोनों पक्ष मिलके एक गाने का सपोर्ट करो, खेसारी लाल का आया फिर दोनों पक्ष आके मिलके खेसारी लाल का सपोर्ट करो। आप लोग ऐसे करो ना, देखो अपना इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जाता है, हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ के आगे निकलेगा। लेकिन फैंस लड़ो, ये उसका गाना चुराया, वो उसका चुराया, ये इसका है, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसे कर करके बेमतलब का भोजपुरी का फजीहत में डाल के रखे हो। ये सब पागलपन है बिना मतलब का। चलिए कैसा लगा बताइएगा, बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, ठीक है। वो हम अपना पर्सनली ओपिनियन हम दोनों भाई मिलके अब बात कर रहे थे, तो सोचे थोड़ा आप लोगों को भी लिया जाए इसमें, ठीक है। तो सच है जो कि देखिए यहाँ रखना चाहिए, हाँ यहाँ हम दो आदमी हैं, ये खेसारी पवन सिंह का पर्सनल फैन, वो भी बड़का वाला फैन है जो हेलीकॉप्टर में लगता है वो वाला हम तो खैर हमारा दोनों हमारे लिए बढ़िया है, जिसका बढ़िया आता है वही ठीक है, जो कि हम दोनों को उतना ही सपोर्ट करते हैं जितना एक को, हमको भोजपुरी से प्यार है और दोनों सिंगर से उतना ही प्यार है जितना एक से है या भोजपुरी से है, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर हाँ कहीं गलती बोले हैं बुरा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा जो लिखना हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।